चलिए तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना को लेकर ये बड़ी खबर, जहां राजधानी भोपाल में कोरोना के 4 मरीज मिले हैं। कोरोना मरीज मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है, तो तीसरी लहर को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां शुरू कर दी है। बेड बढ़ाकर 9,500 कर दिए गए हैं। बच्चों के लिए 200 ICU ऑक्सीजन बेड तैयार हैं। ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। तो 4 मरीज राजधानी भोपाल से कोरोना के निकलकर सामने आए, और वहीं तीसरी लहर को लेकर भी तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिनकी क्षमता 16 से 20 मीट्रिक टन प्रतिदिन उपलब्ध रहेगी। तो बेड की संख्या बढ़ाकर 9,500 कर दी है। वहीं बच्चों के लिए भी 200 ICU ऑक्सीजन बेड तैयार हैं। चलिए, कोरोना को लेकर क्या कुछ अधिक जानकारी है जो अन्य के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकुर जी लगातार बने हुए हैं। अंकुर जी, राजधानी भोपाल से भी कोरोना के 4 संक्रमित निकलकर सामने आए हैं। विशेषज्ञों का भी यही कहना है कि अगस्त सितंबर माह में तीसरी लहर देखी जा सकती है। क्या कुछ व्यवस्थाएं देखी जा रही, क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही, क्योंकि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की एक बड़ी मात्रा में कमी देखने को मिली। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, लगातार जिस तरह से बातें की जा रही थी कि तीसरी लहर आ सकती है, मध्य प्रदेश को अगर छोड़ दें तो देखें, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे अन्य राज्य हो, यहाँ पर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी है निश्चित तौर पर। और इस तरह से मध्य प्रदेश में भी अब धीमे धीमे कोरोना के संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है। राजधानी भोपाल में जो एकदम से रफ्तार कम हो गई थी, थम गई थी, यहाँ मतलब ये स्थिति बन गई थी कि भोपाल का जो हमीदिया अस्पताल था उसमें एक भी मरीज नहीं था जो कोरोना से संक्रमित हो। तो ऐसे में अब जब एक साथ 4 मरीज आए तो निश्चित तौर पर चिंता की तो बात है ही। इसी को लेकर प्रशासन के द्वारा जब दूसरी लहर आई थी तो तमाम तैयारियां उस समय शुरू कर दी थी, क्योंकि काफी सारी खामियां थी, हजारों लोगों की मौत तो हुई थी, ये बात सही है। अब चाहे वो ऑक्सीजन की कमी से हो, भले सरकार माने या ना माने कि ऑक्सीजन की कमी से हो, चाहे अन्य मामले हो, लेकिन लोगों की मौतें तो कोरोना के कारण हुई थी। ऐसे में सरकार के द्वारा तमाम तैयारियां कर दी गई हैं। 9,500 बेड बनाए गए हैं कोरोना के लिए, निश्चित तौर पर 200 बेड बच्चों के लिए बनाए गए हैं, ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए लगे हैं, तमाम तरह की व्यवस्थाएं कही गई हैं। निश्चित तौर पर सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो लोगों को चिकित्सा सुविधा का अभाव ना रहे, अच्छी अच्छी चिकित्सा सुविधा दी जा सके, ऑक्सीजन पूरी तरफ से पर्याप्त मात्रा में मिल सके, इसके लिए ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए गए। इसके साथ साथ लोगों को भी अब जागरूक होना चाहिए, लगातार सरकार प्रयास कर रही है। वैक्सीनेशन तो बड़ी संख्या में हो ही रहा है, लेकिन आज अब जो देखने में आ रहा है कि लोग सब भूल गए हैं। जिस तरह से मार्च अप्रैल में जब लहर आई थी, दूसरी लहर आई थी, तो हाहाकार मच गया था, चारों तरफ मौत का तांडव देखा गया था, लेकिन अब फिर लोग भूल गए हैं। और ऐसे में देखने में ये आ रहा है कि लोग न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ना भीड़ भाड़ में जाने से बच रहे हैं। खान पान की दुकानों पर भी आपने देखा होगा कि लोग जो एहतियात बरतना चाहिए वो नहीं बरत रहे, तो लोगों को भी अवेयर होने की जरूरत है। जी बिल्कुल अंकुर जी, बहुत जरूरत है लोगों को भी अवेयर होने की। बने रही आपके पास, फिर लौटते। तो तीसरी लहर की जो आशंका जताई जा रही थी, कहीं ना कहीं अब देखा भी जा रहा है, हर जगह से मरीज निकलकर सामने आने लगे हैं। राजधानी भोपाल से भी 4 संक्रमित निकलकर सामने आए हैं। तो सरकार की तरफ से पूरे प्रयास है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरे प्रयास है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता की भी लापरवाही, चाहे हम रैलियों के रूप में देख लें, प्रदर्शन के रूप में देख लें, या फिर आम जन को देखें, बाजारों में भी भीड़ देखी जा रही है। तो लगातार जो प्रयास कर रही है सरकार, उसके साथ साथ लोगों की भी जागरूकता बहुत जरूरी है।